कैसे हैं आप? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वेलकम टू आपका अपना फेवरेट शो नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। फूड नामा यानी कि स्वाद के सफर में आज मैं आपको कहाँ ले आई हूँ? वेल, मैं आज आपको एक ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ पर ना मैं अपने बचपन को जीने वाली हूँ। 90s के किड्स ना इससे बहुत रिलेट करने वाले हैं। यस, एक ऐसी चीज़ जो हम बचपन में बहुत खाया करते थे, अब यहाँ पर वो भैया जो हैं, जो ठेले वाले हैं, वो इसको एक फ्यूजन तरीके से सर्व करते हैं। तो बचपन की यादें भी तरोताज़ा हो जाएगी और वो फ्यूजन स्वाद जो है वो भी चख लेंगे। तो देर किस बात की, शुरुआत कर दें, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ चुकी हूँ नागपुर के बहुत ही फेमस एरिया लकड़गंज क्वेटा कॉलोनी बरबटे स्क्वायर। बरबटे स्क्वायर में यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन खास कर जो मैं आपको स्वाद बताने वाली हूँ वो है हमारे बचपन का स्वाद। आपको मैंने जैसे बताया कि बचपन में, स्पेशली 90s के जो किड्स हैं ना, वो इसे रिलेट करेंगे, बिकॉज बचपन में हम प्राइम्स खाया करते थे। ये राइट, ये बचपन में मैं बहुत खाया करती थी। आपको याद भी होगा कि ऐसे फिंगर्स में हम लगा के ऐसे खाया करते थे। तो नवरंग चाट सेंटर में आपको ले आई हूँ और भैया जो हैं इसका थोड़ा सा फ्यूजन जो है उसे बनाकर ये सर्व करते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ है चाट की। चाट, रेगुलर चाट तो आपने खाई होगी, लेकिन डिफरेंट वेराइटी जो है आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कितना टाइम हो गया आपको स्टॉल लगाया हुआ? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या क्या सर्व करते हैं आप, क्या क्या है आपके पास? आलू खस्ता है, लट्टा कबाब है, कटोरी चाट है, चाटकोन है, बच्चों का स्पेशल खस्ता चटनी है जी, बाकी दही पूरी, पानी पूरी, मुरमुरा भेल है तो रेगुलर। हमारे नागपुर में तो ये दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी और आजकल तो पानी पूरी के फ्लेवर्स भी बहुत आ गए, ये वैरायटी बहुत है। लेकिन ये जो नड्डा कबाब, क्या नड्डा कबाब, नड्डा कबाब नाम दिया गया है उसे, जो हम प्राइम्स खाते थे ना, ये जो नड्डे, उसे नड्डे कहते हैं एक छोटी नागपुरी लैंग्वेज में। ये नड्डा कबाब आपको कैसे सुझा कि ये बनाना चाहिए? मैंने उसमें बचपन में थोड़ा आलू भर के खाया था, सॉरी हाँ, चावल भर के खाया था। अच्छा, मुझे अच्छा लगा था। हाँ, एक दिन आलू भर के खाया। हाँ, घर वाली को खिलाया, मेरे घर वाले ने बोला बहुत अच्छा टेस्ट है, दुकान लगा। अच्छा, आज उसी की वजह से मैं दुकान। क्या बात है, मतलब बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल मैन के पीछे वाइफ का हाथ होता है, होता है, होता है, होता है, साबित हो गया है। इसके साथ साथ और क्या खास है आपके पास? आलू खस्ता है। हाँ, आलू खस्ता में क्या खास है? एक पपड़ी रहती है। अच्छा, ये मैदे की है? हाँ, रवा और मैदा दोनों मिक्स है। अच्छा, इसके ऊपर में पिज्जा टाइप बनाते हैं इसको। अरे बाबा, का भाई भी बोल सकते हैं, गरीबों का पिज्जा, देसी पिज्जा, देसी पिज्जा बोल सकते हैं। इसके अलावा और खस्ता चटनी बोले तो बच्चों का स्पेशल है वो, इसके ऊपर चटनी डाल के देते हैं, वो बच्चे खाते हैं। ये सारा मटेरियल धर्म पत्नी बना के देती है आपको? हाँ, दोनों मेहनत करते हो? दोनों नहीं, ये भी मेहनत करते। कितने बजे सुबह उठ जाते भैया? छह बजे। और ये स्टॉल कितने बजे लगा लेते हो? दोपहर में एक बजे। तो भैया, सुबह जो ये सब बनता है, हाँ, सिर्फ अकेले बनाते हो या धर्मपति के साथ बनाते हो कि सिर्फ वही बनाती है? दोनों बनाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं इसके पीछे, मेहनत के पीछे पूरी मेहनत है। तो आज हमको क्या क्या खिलाओगे? मैं तो जो स्पेशल है वही खाऊंगी। बिल्कुल, एक आइटम और है, कटोरी चाट। अच्छा, कटोरी चाट भी बनाते हैं। अच्छा, ये घर से ही बना के रेडी रखते हो यहाँ पर? घर से ही बना के लाते हैं। अच्छा, अच्छा, कभी कौन बनता है? हाँ, ये तो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा रेगुलर पसंद किया जाता है कटोरी चाट। ये पहले से ही बना के रख दी जाती है, इसमें सारी फिलिंग्स होती हैं और ये एक चाट का फ्लेवर है और चाट का जो तरी वैरायटी है।
तो सबसे पहले तो नड्डा कबाब खाएंगे हम। नड्डा कबाब कैसे बनता है और उसका टेस्ट कैसा है? रेत में सेका वाला मिलता होना या तेल में तला हुआ? अच्छा, इसमें भी ऑप्शन है। बिल्कुल, मेरे पास रेत में सेका हुआ भी है, मैं रेत में सेका हुआ घर से लाता हूँ। अच्छा, मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो तेल नहीं खाना चाहते, जो आपको अगर तला हुआ खाना है तो मैं यहाँ तुरंत तल के दूंगा गर्मा गर्म। अरे वाह, मतलब देखो अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते लेकिन चाट खाना चाहते हैं और बहुत कॉन्शियस तरीके से खाना चाहते हैं, बहुत मेंटेन करके खाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है सिका हुआ जो है नड्डा भी अवेलेबल है। और अगर आप ऑयली यानी मतलब सब कुछ भूल भाल के और खाना चाहते हैं और चाट को जो है वो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी है, तो जो आपके पास अवेलेबल है उससे बनवा के दीजिए। दोनों अवेलेबल है मेरे पास। चलेगा, आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फूड एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ, अब सारी कैलोरी सारी सब। हाँ चलेगा। इसको हाफ हाफ कर दिया है ताकि वो अच्छे से फिलिंग हम इसकी कर पाए, है ना। फिलिंग में क्या क्या है भैया? फिलिंग में मेरा मसाला है आलू का, उसमें क्या क्या है? आलू, टमाटर है, धनिया है, प्याज है। अच्छा, ये टमाटर है, ओके। आलू है, धनिया है, प्याज है। अच्छा, और ये स्पेशली मसाला है, ये मसाले से खा रहा था। वाह वाह, सीक्रेट मसाला। अच्छा, इसमें भरा जा रहा है, फिलिंग की जा रही है, सेव के साथ उसे गार्निश किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा आपका यही बिकता है, लोगों को पसंद आता है? अच्छा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई भैया। बचपन में हम ये पैकेट कितने खाया करते थे, घर पे तल के खाया करते थे और वो फिंगर्स में ऐसे लगा लगा के ऐसे हम लोग उसको एंजॉय करते थे। तो मुझे याद है कि हम लोग ना हमेशा ये जो फ्राइड चीज़ें रहती हैं ना, और अभी भी हम लोग ना दाल चावल के साथ खाना पसंद करते हैं और पुलाव रहा या फिर ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग इसे खाते हैं और अभी भी बहुत पसंद खा के देखिए, है ना। ये भाभी जी का वर्जन है, बनाया मैंने हूँ, बाकी प्रोत्साहन उसने दिया। हाँ तो दीजिए ना क्रेडिट, बोलो ना कि उन्होंने बनाया है, उन्होंने आपको दिया है, आपके सपोर्ट है ना। नवरंग के पीछे किसका हाथ? मिसेस नवरंग का हाथ। वाह, सॉस, ग्रीन चटनी और ये वाइट क्या था, दही? सॉस नहीं है वो, खजूर की चटनी। खजूर की चटनी है, हाय मुझे तो सॉस ही लगी। आहा, दिस इज खजूर की चटनी, दिस इज ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी का कौन सी? धनिया और वगैरह की, धनिया मिर्ची पालक भी है इसमें। अच्छा, और ये दही? दही इसके साथ खाया जाता है। वाह, चलिए देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। पहली बार खाया सच में मैंने, बहुत सुना था बट आई एम टेस्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट टेस्ट वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फ्यूजन है, आई एम लविंग इट। बट मैं ना ये किसी के साथ शेयर करना चाहूँगी, बताइए कौन इसके पीछे जिसका दिमाग है। भाभी जी को बुलाएं, भाभी जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इसके पीछे दिमाग जिनका है ना, भाभी जी आपने तो खाया होगा कितनी बार, आगे आ जाओ है ना, मेरे साथ खा लो, शेयर करते हैं। अरे लो, शर्माओ नहीं, अपने घर का है। अपने घर का भैया खाओगे? अरे खाओ जी, अरे एक खा लो, अरे नहीं दे रही मैं भैया को। तो गाइस, दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए। सो अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो डू विजिट पटा कॉलोनी, बरबटे स्क्वायर, लगड़गंज। जीपी में भी मिल जाएगा, जीपीएस में मिल जाएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, मैप में, बिल्कुल गूगल मैप पे, मैप पे भी अवेलेबल है। ये नड्डा कबाब तो बहुत टेस्टी था और मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाई, मैंने सारा खत्म कर दिया। मैंने भैया को भी नहीं दिया, मैंने अपने कैमरामैन को भी नहीं दिया, बट मैंने पूरा खा लिया। अब इसके बाद क्या खाएंगे? आलू खस्ता। हाँ बनाएंगे आलू खस्ता चाट।
ये खस्ता पूरी तो वैसे भी हम लोग बना के रख सकते हैं ना, काफी दिन चलती है ना। काफी दिन में मैं सवेरे बनाता हूँ शाम तक। अच्छा, एक ही दिन में? अरे वाह, मुझे रोज बनानी पड़ती है। वैसे तो हम लोग यूजुअली घर में बना के रखते हैं ऐसे चाय वाय के साथ खाने के लिए ऐसी पूरियां, पर मुझे यहाँ सवेरे बनानी पड़ती है, शाम को खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है आपकी? अरे वाह। अब इनका सीक्रेट मसाला जा रहा है, ये तो मुझे काला मसाला जैसा दिख रहा है बट इसमें बहुत सी चीजें अलग अलग आप बोल रहे हो। ये उसमें 16 प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, ये घर बनाते हो? इन हाउस बना हुआ मसाला है, सीक्रेट रेसिपी। प्याज के लच्छे, खजूर की चटनी, उसके ऊपर थोड़ा दही। दही भी बढ़िया लग रहा है आपका, एकदम मस्त मलाईदार। अरे वाह, मतलब सारा इन हाउस है आपका, बहुत बढ़िया। मुझे आने में थोड़ी एक बज जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। धनिया, इसको कहते हैं देसी पिज्जा। गरीबों का पिज्जा बोल सकते हो। कहाँ गरीब, अब इतना खा पी के गरीब कहाँ हो गए। देसी पिज्जा, ये सेव भी मुझे घर का ही लग रहा है आपका। बाप रे, इतनी सारी चीजें घर पे बना के, मतलब सोचिए। सो फाइनली आलू खस्ता चाट इज रेडी एंड दिस लुक्स डिलिशियस। मतलब इतनी मस्त फिलिंग भरी है उन्होंने, सब कुछ इतना अच्छा है। एंड सबसे खास, एवरीथिंग यू सॉ यहाँ पर, जो भी चीज़ उन्होंने यूज़ की, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। हर चीज़ घर पे बनती है, वो चाहे सेव हो, चाहे खस्ता पूरी हो, वो चाहे चटनियाँ हो, चाहे उसकी फिलिंग्स हो, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। तो उसे टेस्ट करना तो बनता है, टेस्ट करते हैं। खाया कैसे जाएगा, ऐसे पिज्जा उठा के खाएंगे यहाँ से। ओके, वाह यार, मस्त है। वाह जा, मेसी होना तो बनता है, चाट खाने के बाद मेसी तो हो ही जाते हैं। बट इट्स यम, मतलब बहुत डिफरेंट है। खस्ता जो है घर का बना है, इसलिए उसका स्वाद जो है बहुत अच्छा, फ्रेश फील हो रहा है, फीलिंग्स बहुत अच्छी है। और खासकर इनकी जो चटनी है, खजूर की चटनी, आई जस्ट लव दैट, खजूर की चटनी बहुत अच्छी है। दही भी घर पे ही जमाया हुआ है तो बहुत क्रीमी और बहुत उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। एंड आई वुड रिकमेंड गाइज कि अगर आप यहाँ आएँ, और नहीं भी आ रहे हैं तो फिर आएँ प्लीज़, क्योंकि यहाँ आना बनता है, समथिंग डिफरेंट मस्त। इसके बाद की कटोरी चाट, तैयार, खा लेते थोड़ा सा, ब्रेक दे दो, तब तक ये डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग नागपुर फूड नामा। नवरंग सावजी चाट सेंटर, बहुत बड़ा नाम है, परमात्मा एक ही लिखा है। परमात्मा एक, नवरंग सावजी चाट सेंटर इज द प्लेस जहाँ पर मैं आपको आज लेके आई स्वाद के सफर में, नए स्वाद की तलाश में। और नया स्वाद बेहतरीन मुझे मिला बिकॉज नड्डे इज द थिंग जो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं। बचपन में हम बहुत खाया करते थे, अब भी बहुत पसंद करते हैं, मज़ेदार चीज़ है। लेकिन उसका एक नया फ्यूजन भैया ने क्रिएट किया और उस फ्यूजन में उन्होंने आलू की फिलिंग भरी, उसके साथ खस्ता चाट वॉज समथिंग गुड जो मैंने यहाँ पर खाई। और नड्डे चाट तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़रूर भैया से मिले। भैया का नेचर भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यार से खिलाते हैं। इनके साथ ये जो हमने नड्डा कबाब खाया, इसका प्राइस क्या है? 40 रुपये। 40 रुपये में कितने नड्डे आ जाते हैं? 8 फिंगर आते हैं, उसके छोटे छोटे 16 पीस करते हैं। अच्छा, 16 पीस आते हैं। 40 रुपीज में 16 पीसेस यू विल हैव, राइट? और पीस का मंगता तो फिर 8 पीस भी देते। अच्छा, 4 फिंगर के 8 पीस, बढ़िया। और जो आलू खस्ता चाट का, उसका प्राइस क्या है? वो भी 40 रुपये प्लेट है। वो भी 40, उसमें कितनी आती है? 2 पीस आती है खस्ते की, अगर कोई 20 का मंगता तो वो 1 पीस मिलता है। यार और क्या चाहिए, मतलब चाट में फ्लेवर्स भी मिल रहे हैं, फ्यूजन भी मिल रहा है, सब कुछ इन हाउस है, हेल्दी है, मस्त क्वालिटी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
सब घर पे बना हुआ है। सो मैं बस यही कहूँगी कि आज तो हमारे साथ है नवरंग से भैया, और भैया आपको बस यही कहूँगी कि आपके पास बस ये कस्टमर्स की यूं ही लाइन लग जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से खिला रहे हैं, प्यार से खिला रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। फिर मिलेंगे सफर में फूड की तलाश में, नए स्वाद की तलाश में, कहीं और किसी को और गली किसी और चौराहे पर किसी और कैफे किसी और रेस्टोरेंट में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग। आपको कैसा लग रहा है और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप डीएम कर सकते हैं, दैट्स एंकर मीनाक्षी, एंड डू विजिट नवरंग सावजी चार सेंटर। टिल देन बाय बाय, शब खैर।